ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक लव रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर सिंगल्स। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपकी लाइफ में, चाहे वो आने वाले न्यू पार्टनर हो या आपकी लाइफ में एक्स जो है वो वापसी करने के बारे में सोच रहे हो, तो दोनों में से जो भी आपकी लाइफ में होगा, चाहे वो एक्स हो या फिर कोई न्यू पार्टनर, न्यू लव आने वाला है। सो सिंगल आप किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, चाहे फ़िलहाल आपकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन ऑफ चल रहा हो, या पुराने पार्टनर के साथ आपकी कोई सेपरेशन या कुछ इस तरह की सिचुएशन में आप फंस गए हो और आप फ़िलहाल उनके साथ नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी कार्ड्स में एनर्जी आएगी, आई विल टेल यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम या काफ़ी टाइम से सब आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रीडिंग आप सन एंड मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी फ्रेंड्स, और जो भी आपसे मैच हो प्लीज़ उसे ही लीजिएगा। कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लेना, ज़बरदस्ती अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो लिब्रा राशि आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आप किस एनर्जी में हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में फ्रेंड्स, आप क्या प्लान्स बना रहे हैं, लाइफ को किस तरह से आपको डील करना है। सो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी से शुरुआत करूंगी, आपकी क्या एनर्जीज हैं लिब्रा की। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, हाई प्रिस्टेस रिवर्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ओके लिब्रा, सो अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूं तो परिवार को लेकर चलना चाहते हैं, परिवार की तरफ देखते हैं, परिवार की हिसाब से चलते हैं, या अपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक परिवार का हिस्सा समझते थे, इस तरह से इसके साथ डील किया है इतना टाइम तक। आप शायद इसको अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं, अगर आप सिंगल हो गए हैं ड्यू टू एनी रीज़न बिकॉज ऑफ हिम और हर, आपको लग रहा है कि ये इंसान के साथ मैंने इतना समय दिया, इतनी मेहनत करी, इतना कुछ एफर्ट लगाया, पीछे मुड़ मुड़ के आप बार बार सोच रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसी के साथ मेरी ग्रोथ थी, इसी के साथ मैंने शादी की, अपना रिलेशनशिप बनाया, कमिटमेंट की, आगे के बारे में सोचता था, बट यहाँ पर आकर मेरी लाइफ क्यों स्टक हो गई है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, कैसे मैं अब ज़िंदगी को अगले पड़ाव पर लेके जाऊँ इसके साथ, और कैसे मैं उसे संभालूँ। मतलब आप बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल, मुझे आज हाई प्रिस्टेस का कार्ड उल्टा नज़र आया है, तो मुझे लग रहा है आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ही इमोशनल लेवल पर चले गए हैं लिब्रा, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। आप अगर ऐसे इमोशनल ही डाउन होते जाएंगे और चीज़ों को नहीं सोच पाएंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। आपके सारे कार्ड्स में सिर्फ आप इमोशनल मुझे ज़्यादा दिख रहे हो होते हुए, तो थोड़ा सा दिमाग का ज़्यादा यूज़ करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इमोशंस में ही बह जाओ। ठीक है, सो फिलहाल के लिए मुझे आपकी ये दिख रही है एनर्जीज। अब देखते हैं क्या आप किसी पर्सन से एक्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं वापस, या कोई न्यू पर्सन आ रहा है, उनकी क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं, अगर कोई एक्स है तो या फिर कोई न्यू पर्सन है तो। सो उनकी एनर्जीज देखते हैं। सो सबसे पहला है 8 ऑफ एयर, एस ऑफ अर्थ, बैलेंस, किंग ऑफ फायर, पेज ऑफ एयर, टू ऑफ अर्थ एंड 6 ऑफ अर्थ। ठीक है, सो जो भी है, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा दिख रहा है शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये इंसान, जगलिंग कर रहा है किसी, या तो आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी में और आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या ज़िंदगी में कुछ ऑप्शंस हैं जिनको लेके बहुत कंफ्यूज है, बिल्कुल मतलब ऐसे आंखों पर पट्टी बांध ली, हर चीज़ से इमोशन से मुँह फेर रखा है, कुछ सेल्फ डाउट में है, कन्फ्यूजन में है,
ऐसे फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ लाइफ में, कुछ कंट्रोल लेकर आऊँ अगर मिस हो गया है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी तीखी बातें बोली गई हैं, कही गई हैं, और इन्हें ये पता है कि आप कितने ज़्यादा समझदार हैं, इंस्पिरेशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपने शायद लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से अभी तक जिया है इनके साथ, और आप कितने जनरस हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शायद लाइफ को इस तरीके से जीते हैं, इनको आपने बहुत ज़्यादा आज तक इनके साथ मिलजुल कर चीज़ों को किया है, बट अभी फ़िलहाल शायद इनको ये चीज़ें दिख नहीं रही, और आपने शायद बहुत ज़्यादा सिचुएशन को हमेशा संभाला है बट ये खुद ही नहीं संभाल पा रहे। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये अभी फ़िलहाल आप में और अपने खुद के अंदर ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, अभी ये कोई डिसीजन मेकिंग में नहीं है कि ये एकदम से नए रिश्ते में कूद जाएंगे और आपको कमिटमेंट दे देंगे और आपको कहेंगे कि हाँ यू आर द राइट पर्सन फॉर मी। सो आप इन्हें थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा सिचुएशन को संभालने के लिए इन्हें एक थोड़ा सा टाइम दें, रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए टाइम दें, और ये इंसान कहीं ना कहीं इमोशनल इंसान है, लिब्रा आप ही की तरह इमोशनल है, तो आप इन्हें थोड़ा सा समय देंगे तो ये थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को, और हैप्पीली फिर आपको एक रिज़ल्ट भी देंगे उस रिश्ते में। सो थोड़ा सा अगर नया पर्सन है तो थोड़ा सा रुके, उसको थोड़ा सा एक मौका दें कि वो किस तरह से चीज़ों को संभाल पाता है या नहीं पाता या क्या कर पाता है, ठीक है। देखते हैं अभी फ़िलहाल डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा राशि। सो लिब्रा राशि के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, एक आ रहा है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, इमोशंस आर रनिंग हाई, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो ध्यान रहे कि आप इतनी मेहनत करें ताकि आपका हार्ड वर्क भी पे ऑफ करे, आगे चल के भी करे, और अभी भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, बट अपने इमोशंस को आपको संभाल के रखना है, ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिस पे शायद आपने कुछ ना कुछ मिस आउट कर दिया है या कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि इमोशंस इतने ज़्यादा हैं। अगर ओवर इमोशनल भी हो गए हो तो इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो, उन्हें रिलीज़ करो, उन्हें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बस्टर की तरह देखो कि कैसे निकाल सकते हो, कैसे संभाल सकते हो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा राशि, होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो सिंगल्स को। सो फ्रेंड्स पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे बताएं कि ये क्लेम करके बताएं एनर्जी के बारे में। अगली रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।